हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस मेडिको। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसेक्टोमी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में पुरुषों की नसबंदी के नाम से भी हम जानते हैं। महिलाओं में भी नसबंदी होती है और पुरुषों में भी नसबंदी होती है। इस वीडियो में मैं आपको वैसेक्टोमी के बारे में बात करूँगा, पुरुषों में नसबंदी होने के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करते हैं, यदि किसी की नसबंदी करते हैं तो कितना टाइम लगता है, आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है हिस्ट्री के बारे में, तो आपको सबको पता है 1971 से और 1981 तक भारत में प्रोग्राम चला था नसबंदी का, इंदिरा गांधी के राज्य में। उस टाइम में क्या था, जिसकी शादी हो चुकी है या जिसके बच्चे हैं या नहीं है, उस टाइम में सभी की नसबंदी कर दी थी। तो ये अच्छा होता है या बेकार होता है वैसेक्टोमी करना किसी भी पुरुष की, आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैसेक्टोमी क्या होती है। धीरे धीरे एज बढ़ने लगती है, जो पुरुष होता है जिसकी बॉडी के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये स्पर्म कहाँ बनते हैं, ये हमारे टेस्टिस में बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी की शादी हो जाती है और उसके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, बाद में यदि वो पुरुष खुद वैसेक्टोमी कराना चाहता है तो आराम से करा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब टेस्टिस से और पेनिस तक के लाने की जो ट्यूब होती है जिसमें स्पर्म आते हैं, जैसा कि ये टेस्टिस है और ये पेनिस है, तो इन दोनों के बीच में एक ट्यूब होती है छोटी सी, एक रबड़ की ट्यूब होती है, उसे रबड़ की ट्यूब तो नहीं बोल सकते, अलग ही ट्यूब होती है, इलास्टिक ट्यूब होती है, उसको काट के और अंदर की तरफ बांध देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनते हैं और पेनिस में नहीं आते। जब वे पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करेगा या सेक्स करेगा, उस टाइम में क्या होगा कि ये टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म होते हैं वे उसके पेनिस के अंदर नहीं आएंगे, तो आगे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये अच्छा था, ये जब अच्छा है जब आपके 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं और आप खुद वैसेक्टोमी कराते हो। यदि कोई छोटा है, 18 साल का है, उसकी शादी भी नहीं हुई, अब वे वैसेक्टोमी कराएगा तो आगे उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि एक बार जो ये ट्यूब होती है छोटी सी, इन दोनों के बीच में कनेक्ट होती है, ये कट जाती है और कटने के बाद ये वापस कभी भी रिकवर नहीं होती। तो ये ट्यूब कौन सी होती है, आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये होती है वास डिफेंस, एक ट्यूब होती है छोटी सी इसके दोनों के बीच में। तो इसको क्या करते हैं कि चीरा लगाते हैं छोटा सा हमारे स्कोटम में, और वहाँ पर उसको निकाल के और उसको काट के अंदर की तरफ ही छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनेंगे, यदि वे किसी महिला के साथ संभोग करेगा तो उस टाइम में उसकी बॉडी से या टेस्टिस से पेनिस तक स्पर्म नहीं आएंगे, वे बन के वहीं पे रह जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई आदमी नसबंदी करा लेता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है और क्या नुकसान होता है। यदि कोई पुरुष नसबंदी करा लेता है तो वे पुरुष फ्यूचर में कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये इसके सबसे बड़े नुकसान है। अब इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। यदि कोई पुरुष नसबंदी कराता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। आपको पता है कि स्पर्म में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, जो भी हम खाते हैं हमारी बॉडी में सबसे पहले स्पर्म ही बनते हैं। यदि बॉडी से बाहर बार बार स्पर्म निकालते हैं तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है, और जो भी हम खाते हैं पीते हैं तो बॉडी सबसे पहले हमारे स्पर्म को ही बनाती है, इसमें पूरी साइकिल लगती है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। और इसमें क्या होता है कि आदमी की शक्ति बनी रहती है, उसे थकान महसूस नहीं होती। यदि हम कोई भी ऐसा काम कर लेते हैं, आपने कभी महसूस किया होगा, आपने कभी संभोग किया होगा, तो संभोग करने के बाद आपको कुछ शरीर टूटा टूटा सा लगता है, आपको वीकनेस लगती है। तो वीकनेस क्यों लगती है, इसी वजह से लगती है क्योंकि हमारी बॉडी से सारी एनर्जी निकल जाती है, तो इस कंडीशन में हमें वीकनेस लगती है। तो वैसेक्टोमी कराना अच्छा होता है, जिसके 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं आराम से वैसेक्टोमी करा सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।